हाय फ्रेंड फ्रेंड आज क्या है 7 दिसंबर और आज क्या है जिनी का बर्थडे, यानी हमारी प्रिंसेस का, बड़ी प्रिंसेस का आज बर्थडे है। लेकिन फ्रेंड आज ना गलत काम हो गया उसका, है आज एग्जाम, तो वो सुबह सुबह उठ के थोड़ी सी मायूस सी गई है स्कूल, लेकिन उसे नहीं पता कि हम लोगों ने उसके बहुत सारे सरप्राइजेस प्लान कर रखे हैं। यस, उसको कुछ नहीं पता, उसको हमने क्या रखा है आज हम कुछ नहीं करेंगे क्योंकि उसका कल भी बर्थडे, कल भी एग्जाम है। दिमाग में बर्थडे 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 इतना घूम रहा है। यस, क्योंकि हम हर साल बर्थडे पार्टी करते थे बहुत बड़ी वाली, लेकिन इस बार उसके रेगुलर एग्जाम है मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे संडे, संडे को नहीं है, सैटरडे तक उसके एग्जाम है और इस वजह से हम उसकी पार्टी नहीं कर पा रहे हैं। बट हमने उसके लिए की पढ़ाई बहुत जरूरी yes, है, चलता रहेगा, पढ़ाई बहुत, बहुत जरूरी है। और उसके लिए आज हमने वैसे छोटे 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 काफी सारे सरप्राइजेस प्लान कर रखे हैं और वो आते बहुत हैप्पी होने वाली है, तो मुझे पता है। हम आपको दिखाते हैं, हम उसके लिए करा रहे हैं डेकोरेशन, तो अब हम चलते हैं नीचे। यस, इतना कैसी लग रही है डेकोरेशन के बलून? अरे वाह, मस्त मस्त लग रहे हैं, क्या मजेदार लग रहे हैं, जिनी को मजा आने वाला है देख के ना। इतना देखो, मैंने मतलब ये पर्पल पिंक और व्हाइट चूज करा है क्योंकि ये बहुत बढ़िया लगेंगे। हाँ सीरियसली, और मैं तो ये चाहती हूँ जिनी हैप्पी हो जाए देख के ना। और देखो ये कैसे, मतलब इनकी कलाकारी देखो, इन्होंने धागा वागा बांध के ये कितना बढ़िया से बना दिया, क्या सर्कल लग रहा है। वाओ, फ्लावर्स भी लगाए हैं बीच बीच में, कितने सुंदर फ्लावर्स, गोल्डन भी है देखो इसमें, गोल्डन फ्लावर भी लगाए हैं, मजा आ गया, बहुत ही अच्छी डेकोरेशन कर रहे हैं। अब ये क्या कर रहे हैं भैया? अरे मशीन कौन सी है ये क्या आविष्कार है मशीन का? अरे ये क्या कर रहे हैं, अरे स्टार बना दिया, ये फुलाने वाली मशीन है, और बटरफ्लाई भी लगा दी इन्होंने इतनी देर में। तो फ्रेंड्स फाइनली उसकी डेकोरेशन कंप्लीट। तुम्हें कैसी लगी ये बताओ? लगी है तो खुशी होगी ना, जीनी को अच्छी लगनी चाहिए क्योंकि आज जीनी थोड़ी सी मायूस थी गई थी क्योंकि उसकी पार्टी नहीं हो रही, बट उसे क्या पता हमने क्या क्या सरप्राइज रख रखे हैं। और फ्रेंड्स अब हम आपको दिखाते हैं ध्वनि क्या कर रही है अंदर। फ्रेंड ध्वनि ने ना आज मतलब कमाल किया, कुछ झूठ मूठ बोल के स्कूल से छुट्टी कर ली। ध्वनि आप क्या कर रहे हो? घास घास बाद में लिए, पहले बता दे क्या कर रही है। तो आपने क्या डेकोरेशन करी है? आपके पास तो मुझे एक ही बलून दिख रहा है अभी। तो एक्चुअली में उन्होंने मेरे बलून फुला दिए थे और वो गए हैं बलून फुला। तो एक काम करते हैं ध्वनि, मैं जाता हूँ जीनी को स्कूल लेने और आप मम्मी के साथ मिलकर थोड़ी डेकोरेशन कर लो अंदर, ठीक है ना? तो फ्रेंड्स फाइनली मैं जीनी को ले आया हूँ स्कूल से। जीनी, पापा आपने करवाया? ये मैंने करवाया नहीं है, मैंने किया है जीनी, इतना सारा तेरे लिए। हाँ चल झूठा। पापा ये बात तो मुझे बुद्धू बताओ, मैं ये बहुत अच्छा हुआ है। अच्छा लग रहा है तेरे को? अभी बर्थडे जिनवाई, देखो मैं तितली की तरह हूं। तितली की तरह नहीं जिनी, तू है ही तितली। अरे मतलब तू है ही तितली हमारी। हाँ ठीक है, थैंक यू सो मच, और इसके लिए भी इतना बड़ा थैंक यू, मतलब जिनी तेरे लिए बहुत सारे सरप्राइज बाकी हैं, तो मेरे हिसाब से तू जल्दी से चल ऊपर, लंच करते हैं और फिर तेरे को कहीं पे लेके चलना है हमें। और चलो फटाफट चलो ऊपर, चलो पहले ऊपर चलो, लंच करो। One hour later. जिनी, हाँ पापा? कुछ पता है हम तेरे को कहाँ पे लेके जा रहे हैं? नहीं कुछ मुझे कुछ नहीं पता है, कहाँ लेके जा रहे हो, क्या कर रहे हो, बस ये बता दिया रेडी हो जाओ और गाड़ी में बैठ जाओ। फ्रेंड्स ये हमने ना जिनी के लिए और आपके लिए एक छोटा सा बहुत बड़ा सा सरप्राइज रखा है। अच्छा, तो अब हम जा रहे हैं इस जगह जहाँ पे मतलब एशना और मेरे हिसाब से इसको खुशी होनी चाहिए, क्योंकि उसको ना फेवरेट जगह है, इसकी फेवरेट जगह है और इसको वो चीज ना करना बहुत मजा आता है। तो अब हम चले जी नहीं गेमिंग जोन, हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, अभी भी नहीं बता रहे। हाँ यही तो चले, मेरे को तो यही लग रहा है गेमिंग जोन। चलो चल के देखते हैं, चलो चलो। जिनी अब देख ले हम तेरे को कहाँ पे लेके आए हैं। तेरा मन था ना मूवी देखने का, कौन सी मूवी है बताओ, कौन सी? देख वो भी सरप्राइज है, अब अंदर चल के हम देखेंगे कि कौन सी मूवी है। तो बता दे तेरा फेवरेट पार्ट क्या है? मूवी मूवी देखना बहुत अच्छा लगता है, मूवी देखना। ला इधर लिख लो कहीं यूपीएससी के एग्जाम में ना आ जाए। और मतलब पीवीआर सिनेमास। तो चले अंदर मूवी देखने, चलो। जिन्हें तू गैस करके बता भी कौन कौन सी मूवीज रिलीज हुई हैं। देखो अभी दृश्यम मूवी हमने देख ली। हाँ, और ऊंचाई हम देख के करते, वो थोड़ी बुजुर्गों की फिल्म है। बुजुर्गों की फिल्म है। और कौन कौन सी मूवी है? और कौन कौन सी मूवी है? और कौन कौन सी मूवी है? एक तो भेड़िया रिलीज हुई है। भेड़िया में देखो आज हम देखोगे नहीं क्योंकि थोड़ी को डर लगेगा। बनते को डर लगता है भाई। तो बच्ची एन एक्शन हीरो। कौन सी? एन एक्शन हीरो। उसमें कौन कौन है? आयुष्मान खुराना और एक और
तूने करेक्ट गेस कर लिया है, आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना है। अरे वाह। तो चलो अब हम थिएटर में एंट्री लें। मूवी से बेटर ना, मतलब मेरे से बेटर कोई मूवी को जान नहीं सकता। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये, मतलब कुछ भी सही में। अच्छा ये बता, इंडिया की पहली फिल्म कौन सी थी? बस हवा निकल गई। ये बिल्कुल ने सही जवाब दिया, तो फटाफट से लेट ना करते हो, हम लोग चलते हैं अंदर। चलो तो यहाँ पे पूरा एंजॉय हो रहा है, लेट लेट के मजा आ रहा है तेरे को अपने बर्थडे पे। तूने एक्सपेक्ट किया था कि तेरे को स्कूल से आते हैं मूवी दिखाने ले जाएंगे? मूवी भी देखो, फ्रेंड्स दिखाएंगे और टॉप सी। देखो तूने कभी सोचा था कि मतलब स्कूल से आते ही मूवी? हाँ भाई तेरे को मजा आ रहे हैं तो नहीं? मजा आ रहा है तुम्हें? फ्रेंड फाइनली हम लोगों ने मूवी देख ली और मूवी ठीक ठाक है। ध्वनि पहले बताइए उसे कैसी लगी? ठीक ठाक। मेरे को अच्छी लगी। तेरे को अच्छी लगी? मुझे बहुत अच्छी लगी। फ्रेंड मेरे को जो उसका सस्पेंस था ना, बिल्कुल मतलब शुरू से ही पता था आगे क्या होने वाला है। चीनी बैठी हुई थी, मैं उसे बताया जा रहा था। तो कौन सा तीर मारा? ये होगा क्या? होगा ये होगा तो मुझे भी पता था, ये होगा सबको पता था ये होगा, बट मूवी बहुत अच्छी है। फ्रेंड मूवी ठीक ठाक है, मतलब बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं है। और अब हम लोग जा रहे हैं घर और वहाँ पे फिर हम अपने नेक्स्ट सरप्राइज का वेट करते हैं। तो फ्रेंड जिस घड़ी का आप सबको थोड़ा सा इंतजार था और इस लड़की को बहुत ज्यादा इंतजार था, वो घड़ी आ गई है। अगर वो ऐसी नहीं है, अगर वो ऐसे नहीं है तो आपको क्या करना है, इसने अभी एक और अपना चैनल खोल लिया है, उसका नाम क्या है? जीनी। हमने उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, उसको अभी जाके सब्सक्राइब करो, क्योंकि वो जीनी के लिए सबसे बड़ा बर्थडे गिफ्ट होगा। थैंक यू सो मच। केक काटने की परंपरा को हम चालू करते हुए। हाँ मेरा डायलॉग बोलो। तू मेरी नकल करता है, बना दूंगा। फ्रेंड डायलॉग किसी का भी हो, बोला तो मैंने ही है। प्रतिष्ठा और फाइनली आ गया है यहाँ पे केक मोमबत्तियों पे जलता हुआ। ध्वनि तू बुझाएगी इसे या जीनी को मौका दे? जीनी को मौका दे। और ध्वनि क्या बोले? जीनी को, जीनी दीदी हूँ मैं। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। ध्वनि आगे से जीनी दादी बोल। दीदी हुआ पुराना, दादी हुआ नया, क्योंकि फ्रेंड्स ये हो गई है पूरे 13 साल ना मेरा ना तेरा, ये हो गई 13। आईफोन 15 मिलेगा क्योंकि मुझे लग नहीं रहा एप्पल लॉन्च करेगा, क्योंकि आईफोन 14 प्रो हो गया मेरे को। और अब हम कर रहे हैं केक कटिंग से पहले मोमबत्ती बुझाने का काम। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर जीनी, हैप्पी बर्थडे। अच्छे से खिलाओ भाई, मेरे को लगा मुझे खिला रही हो, अच्छे से खिलाओ। इनसे बात बताओ ढंग से तो खिलाओ कम से कम। केक वेक तो हो गया हमारा, अब जल्दी से ना चल के खाना लगाओ। अच्छा मम्मी ये बताओ डिनर में क्या है? मटर की सब्जी। फ्रेंड मतलब आप सबको पता है इसको मटर सब्जी कितनी पसंद है। तो हमने सोचा मतलब बाजार जाके क्यों ही पैसे खर्चने, तो मैं मटर पनीर बना दूंगा। मटर पनीर और साथ में बने नान। चल ना मेरे को नान, मेरे को मटर पनीर खाना। पापा आप लोग मेरे साथ ऐसा करोगे मेरे बर्थडे वाले दिन? मतलब मटर
दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा। फ्रेंड्स ये हमें पता था ये होने वाला है, क्योंकि बच्चों ने जितना मर्जी कर लो वो कभी खुश हो ही नहीं सकते। तो इसके लिए यहाँ पे भी एक सरप्राइज है। तो अब हम मूव होते हैं अपने नेक्स्ट सरप्राइज पे। चलो क्या सरप्राइज है, मुझे तो कुछ पता नहीं। चलो सरप्राइज दिखाते हैं। तो फ्रेंड जैसे कि आपने देखा था कि जिनी का मुंह बिल्कुल खराब सा हो गया था, जो जब इसने सुना था कि इसको मटर पनीर खाना पड़ेगा। आप खुद सोचो फ्रेंड, जिसको जिस इंसान को मटर ही नहीं पसंद, उसके बर्थडे पे आप कह रहे हो कि मटर बनी है, मटर पनीर। तो फ्रेंड वो हम इसकी जो दुख वाली चीज थी वो हटाने के लिए हम इसको ले आए बारबेक्यू नेशन। अब तो जिनी तो खुश है। यस मेरी फेवरेट। खुश है, चले अंदर। चलो फिर अंदर चलो। तो यहाँ पे आ गए गरम गरम स्नैक्स। दीदी मतलब देखो कैसा लग रहा है मटर की सब्जी छोड़ के और यहाँ पे आने में? बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब मटर की सब्जी कभी सोच सकते हो अपने बर्थडे पर? हाँ मैं सोच सकता हूँ। पसंद भी ना हो। अच्छा और मम्मी आपको? धोनी तू अकेले कैसे बैठी हुई है इतनी दूर? खा रही है। तो यहाँ पे जीनी के लिए आ गए क्रिस्पी कॉर्न्स। फ्रेंड ये ना बारबेक्यू नेशन की सबसे बेस्ट आइटम लगती है, ये और काजू स्पाइस पोटैटो। काजू स्पाइस पोटैटो गजब। जीनी और कितना खाएगी? ये दे और खाएगी, और खाएगी। इतना तुम क्या खाओगी? तुम्हारा डन। ये देखो इतना सारा यहाँ पे रखा हुआ है, ये कौन खाएगा? चलो वो तो मैं और जीनी मिलके खाई लेंगे। और धोनी क्या कर रही है? हाँ भाई धोनी आप क्या खाओगे? आप तो कुछ पी रहे हो, ये क्या पी रहे हो? किस चीज का ये? पता नहीं। ओ भाई पता ही नहीं। और पता ही किस चीज का है? ये धनिया पुदीने का है जो आप घर पे मना कर देते हो मम्मा को। अच्छा हाँ है? मुझे ना कि अभी भी नहीं खा के लग रहा है। अच्छा नहीं लग रहा। ये ना कौन सी राइम सुना रही थी अभी तुम? पता नहीं। सुनाओ सुनाओ। नहीं मैं भूल गई, कैमरा तुम सामने आता है ना तो मैं भूल जाती हूँ। अच्छा एक बात बताओ तुम तो धोनी को कब से बन गई? क्या कैमरा शायद नहीं मैं राइम भूल गई एक्चुअल में ना कैमरा। इतना फिर तुम धोनी को कैसे पढ़ाती हो? वो छोटी सी है, उसको राइम कैसे पता है? देखो ऐसे क्वेश्चन में से मत पूछो जिससे मैं कंफ्यूज। बेटा चुपचाप ना डिनर करो, मैं देख रहा हूँ बहुत कम खा रहे हो। आपकी प्लेट में अभी भी इतना सारा खाना रखा हुआ, ठीक है? ऐसे नहीं बोलते। चलो अरे कहना क्या चाहते हो ध्वनि? हाँ भाई कैसा लग रहा है? ही तो अब तू मतलब अब तू मेन कोर्स नहीं लेगी? डेजर्ट तो बेटा दुबई में मिलेगा। मैंने जैसे एक और ब्लॉग में पूछा डेजर्ट और डेजर्ट मतलब दोनों डेजर्ट की स्पेलिंग में क्या फर्क होता है? उसका डबल ऐसा आता है। नॉलेज तो कमाल का है भाई। बस तूने ये कमाल की बात कर दी तो तेरे को यहाँ गरम गरम डेजर्ट मिलेंगे, गुलाब जामुन, आइसक्रीम ठंडी ठंडी। जी क्या खा रहे हो? फ्रेंड मैं ऐसी चीज खा रहा हूँ ये आपको ना बारबेक्यू नेशन के अलावा कहीं नहीं मिलेगी। मैं नहीं मानता। अच्छा नाम है गुलाब जामुन के बच्चे। गुलाब जामुन के बच्चे बेबी गुलाब जामुन। देखो ये गुलाब जामुन के बच्चे और बच्चे भी खा सकते हैं। बच्चे भी खा सकते हैं। अरे गुलाब जामुन के बच्चे ना बहुत बढ़िया है। क्या बोला तूने? हम नॉन वेज नहीं है लेकिन हम गुलाब जामुन के बच्चे खा लेते हैं। कोई सेंस है इस बात का? चलो आप खाओ, सारे खा गए, चलो एंजॉय करो।
तो जीनी आज का आपका दिन कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा, मजा आया। और ये बहुत बड़ी चीज होती है कि एग्जाम के बीच में आपको इतने सारे सरप्राइज। बात तो सही है, तभी कहते हैं एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। तो फ्रेंड्स फाइनली हम लोग मतलब पूरा दिन सेलिब्रेट करके जिनी का बर्थडे घर पे आ गए हैं। तो जिनी हाउ आर यू फीलिंग? वेरी नाइस, और बहुत थकान हो रही है, अब मैं जाके सोऊंगी। फ्रेंड्स तो अब हम देते हैं वीडियो को यहीं पे विराम। तो अब हम आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, और इफ यू लाइक अवर व्लॉग प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल।